हमारा नाम मेघश्याम शास्त्री है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, क्या महत्ता है इसकी, क्यों ये त्यौहार मनाते हैं, जो नई जिनकी शादी होती है वो मनाती हैं, क्या महत्ता है इसकी, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है? देखिए 20 अक्टूबर को जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, इसमें पति की दीर्घ आयु की कामना से पत्नियां व्रत करती हैं और उसमें गणपति जी की पूजा होती है, शंकर पार्वती जी की पूजा होती है और पति की दीर्घ आयु के लिए पत्नियां व्रत करती हैं। करवा चौथ ये निराहार व्रत होता है, इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है और शाम को जब चंद्रमा निकल जाता है उस समय चंद्रमा को अर्घ दे करके और वो व्रत का पारण करती हैं। उस समय पर जल पीती हैं और फिर भोजन करती हैं, अपनी पति को पहले भोजन खिला करके उसके बाद में स्वयं भोजन करती हैं। पंडित जी, करवा चौथ पर जो लड़कियां जो व्रत रखती हैं वो चांद ही क्यों देखती है, अगर उस दिन बादल हो चांद ना आए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए एक वैसे तो चंद्रमा का समय होता है, शाम को 9:15 के करीबन चंद्रमा निकल जाता है उस दिन, अगर परिस्थिति बस नहीं दिखता है तो समय के अनुसार भी करते हैं, पर यह है कि अगर 9 बजे नहीं दिखाई देगा तो चंद्रमा 10-11 बजे तक नज़र आ जाते हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है कि चंद्रमा नज़र ना आए, और चंद्रमा ज़रूर नज़र आता है सभी को और सभी की मंगल कामना के लिए गणपति जी का व्रत करके और चंद्रमा को अर्घ दे करके तभी भोजन किया जाता है। पंडित जी करवा चौथ पे करवा का क्या मतलब है, करवा का इसके बारे जानते हैं? करवा एक मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे गड़बी होती है उस प्रकार का होता है, उसमें एक छेक होता है और उसी के द्वारा उसमें जल भर के पहले कथा सुनती हैं स्त्रियां सभी और जल रख के मीठा रख के उसमें फिर चंद्रमा को अर्घ उसी पात्र से दिया जाता है। पंडित जी, जो करवा चौथ का है जो सुहागिनी अपना व्रत रखते हैं उस दिन उनको क्या करना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उस पर जानकारी? देखिए करवा चौथ वाले दिन किसी से ना तो झगड़ा करना चाहिए, ना ज़्यादा बातें करनी चाहिए, जहाँ तक है मौन रहना चाहिए, अगर मौन नहीं रह सकती हैं तो उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और सुबह स्नान करने के बाद में गणपति के मंदिर में पूजन करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और शंकर जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि शंकर पार्वती एक ऐसे देवता हैं जो स्त्री को मन इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं और गणपति भी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, उस दिन उनकी पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद ही वो चंद्रमा को अर्घ देती हैं और भोजन करती हैं। पंडित, करवा चौथ एक सरगी, पंजाब में खास करके एक सरगी का काफ़ी महत्व है, सरगी क्या है, अगर सास ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी? देखो सरगी का उसमें भोजन का ही सामान होता है, उसमें गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी गन्ना जो है गणपति जी को प्रिय है और सरगी उसमें मट्ठी होती हैं और मिठाई होती है, फल होते हैं वो और श्रृंगार का सामान, ये सबसे पहले गौरजा माँ के मंदिर में जा कर के उनको चढ़ा करके उनके निमित्त निकाल के और फिर सुबह यानी वो अल्प आहार फल वगैरह ग्रहण कर लेती हैं अपनी सास की आज्ञा से, क्योंकि सास हो या पति हो या कोई भी है उनकी आज्ञा से वे सुबह, यहाँ पंजाब में केवल ऐसी रीति है कि सुबह सुबह वो भोजन कर लेती हैं, सरगी का मिष्ठान दूध के साथ में वो खा लेती हैं। तो पंडित जी करवा चौथ में छलनी का क्या महत्व है, कि कहा जाता है कि छलनी से चांद देखा जा सकता है, अगर छलनी ना हो तो क्या गया है, छलनी का महत्व क्या है इसके बारे में? छलनी का तो ऐसा है कि जब चंद्रमा को देखते हैं तो छलनी के द्वारा देखा जाता है, इसमें एक कथा भी आती है, उसके अनुसार छलनी से चंद्रमा जो नज़र आता है और पति को भी उसी छलनी में से दीपक दिखा करके छलनी में रख रख के फिर पति को देख करके चंद्रमा को पहले छलनी के द्वारा अर्घ दिया जाता है, तो छलनी में से चांद जो है अच्छा नज़र आए इसलिए। अगर छलनी ना हो तो ऐसे भी देख सकते? हाँ ऐसे भी देते हैं छलनी की, ये प्रथा अपने अपने यहाँ पर ज़्यादातर पंजाब में है विशेष करके, और कहीं पर छलनी की ऐसी प्रथा नहीं है। आपने सरगी का बताया केवल पंजाब में है कि बाकी? नहीं नहीं, सरगी का जो खाने का केवल पंजाब में है, बाकी आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में और कहीं ऐसा सुबह भोजन का कोई मानो विधान नहीं है, ये पंजाब में है, ये केवल पंजाब में है, यहाँ पे सरगी खाती हैं सुबह सुबह। पंजाब के बाहर तो सुबह जल भी नहीं पीती हैं, वो रात को ही भोजन कर लेती हैं, रात को भोजन करने के बाद सुबह ना वो चाय पीती हैं ना पानी पीती हैं,
वो सुबह स्नान ध्यान के बाद में अपना भजन करती हैं, स्नान के बाद में कथा सुनती हैं, पूजा करती हैं, और उसके बाद जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में ही पति को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन करती हैं। पंडित जी, छलनी पर दिया रखकर ही क्यों देखा जाता है चांद और पति को, इसके बारे थोड़ी क्या इसके पीछे कहानी है? देखिए, छलनी में रखने से उसका जो प्रतिबिंब है चांद का जो है वो आपको नज़र आएगा, दिया उसको नज़र आएगा, इसलिए दिया दिखाने का चंद्रमा को अर्घ देने का उनकी पूजा का फल है। पूजा जो की जाती है वो छलनी में रख करके यहाँ पे की जाती है। वैसे कई छलनी में नहीं रखती हैं, प्लेट में रख लो आप, तो उसी में पूजन सामग्री रख लेती हैं और उसके द्वारा भी अर्घ दिया जाता है। मतलब 20 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त का क्या है, जैसे सुबह जो नई जोड़ी होते हैं वो क्या कब उनको खाना नहीं चाहिए? नहीं, अब के जो 20 अक्टूबर आ रहा है इसको जो करवा चौथ है बिल्कुल सही है, कोई तारा अस्त्र नहीं है, कोई बद्रा नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये पूरे दिन शुभ है, तो इस दिन व्रत करने में कोई दोष नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो उद्यापन करते हैं अपने सास के निमित्त जैसे मंस के देती हैं, जो नवविवाहित जोड़ा होते हैं जिसकी पहली बार शादी होती है वो अपनी सास के लिए सामान दिया जाता है, अगर कोई दोष है तो उसमें नहीं है, इस बारी कोई वो नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। जैसे पंडित जी सर्गी देखेंगे सास ही देती है सर्गी, अगर बाई चांस सास ना हो तो इसका क्या अल्टरनेटिव? देखो, सास नहीं है तो घर में कोई भी है, कोई बुजुर्ग है, जैसे मानो सास नहीं है तो उनकी जिठानी है या उनकी बुआ सास है या ननद है या कोई भी जो भी उनके घर में है वो दे सकती हैं, नहीं तो पति भी दे सकता है, ससुर है वो भी दे सकता है अगर सास नहीं है तो। पंडित जी एक बार फिर बताएंगे कि औरतें पंजाब में औरतें करवा चौथ का व्रत रखना हो तो कैसा रख सकते हैं या बाहर भी? देखिए, यहाँ पे जो रखती हैं तो वो तो सुबह यानी 4-5 बजे पर ही सुबह अल्पाहार कर लेती हैं, भोजन कर लेती हैं, दूध में मिला करके चाय भी पी लेती हैं, जिसको जैसी जो आदत होती है फल वगैरह खा सकती हैं। पहले वो गौरजा के निमित्त निकाल देती हैं गन्ने के टुकड़े, उनको गड़ेरी कहते हैं, वो है फैनियाँ जो होती हैं सेवैयाँ, वो दूध में डाल के खा लेती हैं, परौंठी भी खा लेती हैं, तो यहाँ पे तो वो भोजन कर लेती हैं, भोजन करने के बाद में फिर सो जाती हैं, सुबह सुबह जगने के बाद में वो ये भोजन करके फिर सो जाती हैं, उसके बाद में फिर जग करके फिर माता की पूजा करती हैं गौरजा माँ की, और उसके बाद में ध्यान करने के बाद में फिर वो बाद में कथा सुनती हैं, और बाद में ये यहाँ के अनुसार ये अलग अलग प्रचार है, ये तो यहाँ पंजाब में खाती हैं केवल, बाहर कहीं नहीं खाती हैं, ये सुबह भोजन नहीं करती हैं कोई भी, किंतु यहाँ पे ऐसी प्रथा चली आई है क्योंकि शास्त्र के अनुसार भी और जो लोक प्रथा है ये लोकाचार है, क्योंकि लोकाचार में ये होता है जहाँ जैसा चला रहा है उसके अनुसार ही किया जाता है, अगर उससे विरुद्ध करते हैं तो वो भी दोष है, तो जो प्रथा चली आई है उसके अनुसार ही यहाँ पे लोग करते हैं और सुबह भोजन कर लेते हैं और उसके बाद में भगवान की पूजा करने के बाद में कथा सुनती हैं और उसके बाद में फिर वो अर्घ देती हैं शाम को, तो दिन में कुछ नहीं खाती पीती हैं, यानी उनका जो व्रत होता है सूर्य निकलने से और सूर्य अस्त तक रहता है, उस समय वो जल भी नहीं पीती हैं, कुछ नहीं खाती पीती हैं, और जो ज़्यादातर और दूसरी जगह पे वो रात को यानी जब 12 बजने के बाद में दूसरा दिन माना जाता है उसके बाद में कुछ खाती पीती नहीं है, और जब तक चंद्रमा नहीं निकले आएगा चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देंगी उसके बाद में खाती पीती हैं।